सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को तो छोड़ो, हर फैमिली में पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाए। बड़े बड़े वर्कशॉप और सेमिनार कंडक्ट कराए जाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन सक्सेस है क्या और कोई कैसे सक्सेसफुल बन सकता है? दरअसल ये एक रिलेटिव टर्म है। सक्सेस का पैरामीटर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिर भी जब हम कुछ सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी करते हैं तो हमें उन वैल्यूज और एक्शन का पता चलता है जिसके कारण आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। इन कोर प्रिंसिपल्स को लर्न करके हम भी सक्सेस पा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने हीरो चाणक्य ने सक्सेस के बारे में कहा है कि सक्सेस के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, वो जो काउंसिल से अचीव किया जाए, वो जो बल से अचीव किया जाए, वो जो प्रभावशीलता से अचीव किया जाए और वो जो एनर्जी से अचीव किया जाए। अब हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे। सक्सेस बाय काउंसिलिंग। हर किसी को एक एडवाइजर की जरूरत होती है। एडवाइजर जितना अच्छा हो सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। हर किसी को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो बेस्ट एडवाइजर से ही एडवाइस ले। अगर आपको एक मेडियोकर टीचर जो कि कम फीस लेता है और दूसरा बेस्ट टीचर जो कि ज्यादा फीस लेता है के बीच किसी एक को चुनना हो तो बेस्ट टीचर का चुनाव ही बेहतर है। इस तरीके से आप अपने रिस्क को कम करते हुए अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। सक्सेस बाय माइट। इसका मतलब है अपनी पोजीशन का यूज करके बेनिफिट्स गेन करना। एक माइटी पर्सन बहुत सारे क्विक डिसीजन ले सकता है और टाइमली एक्शन लेने से अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट उठाया जा सकता है। किसी हाई पोजीशन के होने के अलावा माइटी होने का एक दूसरा तरीका भी है, अपने से किसी ज्यादा प्रभावशील व्यक्ति से दोस्ती करना। सक्सेस बाय एनर्जी। इसे विल पावर भी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति कितनी सक्सेस अचीव करेगा ये उसके एंथुजियाज्म और पैशन पर डिपेंड करता है। एक हाईली इंस्पायर्ड और एनर्जेटिक पर्सन दूसरों को भी चार्ज कर देता है। हर ग्रेट लीडर के पास ये पावर होती है। इस तरह की एनर्जेटिक लोग आलसी और निकम्मे व्यक्ति में भी एनर्जी भर देते हैं। तो बच्चों लोग ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको सीक्रेट कीपिंग से रिलेटेड चाणक्य के विचार बताऊंगा।